अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आर होप सो यू बी फाइन। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 4, विच वन इज़ फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्लास, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4A तो हम लोग पहले ही कर चुके थे, तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर फोर एक्सरसाइज 4B। 4B करने से पहले हम लोग कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं क्लास। उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग कुछ डेफिनेशंस पहले रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्लास, हमारे पास है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमारे पास LCM क्या होता है। तो क्लास, हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, दिस स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि टू और मोर नंबर इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्लास, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर्स को हमारे पास मल्टीपल जो है वो क्या होगा। तो क्लास देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30। तो क्लास, यहाँ पे और मल्टीपल ऑफ 4 आप लोगों को बताया हुआ है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब इसमें से हमारे पास जो LCM ऑफ 3 और 4 का जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि सबसे छोटा जो फैक्टर होगा और सेम होगा, वो हम लोग पिक आउट करेंगे और वो हमारे पास क्या कहलाएगा, LCM। तो क्लास, 3, 6, 9, 4, 8, 12। तो इन दोनों में से आगे तो हमारे पास वैल्यूज डेफिनेटली बड़ी होती जाएंगी। तो क्लास, 12 जो है वो कॉमन फैक्टर भी है और लीस्ट भी है, तो इसको हम लोग पिक आउट करेंगे और लिखेंगे द LCM ऑफ 3 और 4 इज 12। तो क्लास, अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि कंपैरिजन हम लोग करें HCF का और LCM का, तो हम वो किस तरह से करेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ आल कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि ये जो है पिक आउट करता है हमारे पास, HCF जो करता है लार्ज नंबर्स को पिक करता है, जबकि LCM जो है इट द लीस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि ये लीस्ट नंबर्स को पिक आउट करता है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली, ये ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करता है जो एग्जैक्टली प्रॉपर वे में आपके पास डिवाइड हो रहे होते हैं। इट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, ये एक आपके पास लीस्ट नंबर को पिक आउट करता है जो डिविजिबल बाय होता है ऑल नंबर्स का। इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एनी ऑफ द गिवन नंबर, ये आपके पास ऑलवेज लेस और इक्वल होता है किसी भी गिवन नंबर के, जबकि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एनी द गिवन नंबर, जो LCM होता है वो आपके पास ऑलवेज ग्रेटर होता है गिवन नंबर के या और इसके इक्वल होता है। HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स और 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, आपके पास जो है HCF का जो नंबर्स होते हैं आपके पास प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1 होता है, जबकि LCM 2 और मोर प्राइम नंबर और 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, ये आपके पास आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर, जबकि HCF का जो प्राइम नंबर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर डिवाइड देयर LCM एग्जैक्टली, HCF के दो से ज़्यादा नंबर्स का डिवाइड जो होता है वो LCM को प्रॉपरली मतलब कि एग्जैक्टली उसके ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, जबकि LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर एग्जैक्टली, यानी कि LCM जो होता है वो उसी नंबर के ऊपर एग्जैक्टली या प्रॉपरली आपके पास डिवाइड हो रहा होता है, जबकि HCF में आप लोग LCM के नंबर को लेकर आप लोग डिवाइड कर होते हैं। तो क्लास, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताएं HCF LCM का, तो आप इसमें से कुछ 2 या 3 पॉइंट्स करके आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। तो क्लास, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 4B की तरफ। 4B में हमारे पास क्या है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड, हम लोगों ने LCM निकालना है
कॉमन मल्टीपल मेथड के जरिए, मल्टीपल मेथड यूज़ करते हुए हम लोगों ने 4, 6, 8, 10, 15 and 20 का हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल फैक्टर फाइंड करना है, और वो जो फाइंड करना है वो हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो क्लास अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्लास 4, 6 and 8 सॉल्यूशन, द मल्टीपल ऑफ 4, द मल्टीपल ऑफ 6 एंड द मल्टीपल ऑफ 8। 4, 6, 8 था, आप लोगों ने दो तीनों के ही मल्टीपल, जितने भी पॉसिबल मल्टीपल्स हैं आप लोगों ने वो सब लिख लेने हैं। 4, 8, 12, 12, 4, 16, 16, 20, 24, 28, 32 and so on। इसी तरह से द मल्टीपल ऑफ 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। इसी तरह से आप लोगों ने 8 का ले लेना है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड सो ऑन। तो क्लास अब वो कह रहा है आपके पास कि आप लोगों ने कॉमन मल्टीपल लीस्ट फैक्टर लेना है। इसमें 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है और इसमें भी 24 आ रहा है। पहले पहले तो आप लोग पिक आउट कर लोगे 24 को, उसके बाद क्लास यहाँ पे 48 आएगा आपके पास, ये भी 48 और ये भी 48, तो 48 आपका सेकंड हो जाएगा जो आपके पास कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों में से। अब उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो दस द एलसीएम ऑफ 4, 6 and 8 इज 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आप लोगों के पास 10, 15 and 20। तो आप लोगों ने इसका एलसीएम, इसके अपने मल्टीपल्स लेने हैं, देन आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन बताना है कि कॉमन फैक्टर कितने हैं और लीएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 10 आर 10, 20, 30, 40, 60, 90, so on, 100। द मल्टीपल ऑफ 15 आर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड सो ऑन। इस तरह से द मल्टीपल ऑफ 20 आर 20, 22, 40, 40, 60, 80, 100, 120, 140। तो क्लास हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, 15 and 20 आपके पास क्या आ रहे हैं क्लास, 60, 60 and 60। पहले तो आपके पास 60 आ रहा है, देन यहाँ 120, 120 and 120, ये 120 आ रहा है। तो आगे भी आपके पास कॉमन होंगे क्योंकि हमारे पास सो ऑन है वैल्यूज़, तो आगे भी अगर हम लोग वैल्यू सारी लिखें तो हमारे पास हमारे कॉमन वैल्यूज आ सकती हैं। तो एलसीएम ऑफ 10, 15 and 20 इज 60। तो यानी कि हमारे पास जो लीएस्ट कॉमन फैक्टर था वो हमारे पास 60 था इसका, इस पार्ट का। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हुए आप लोगों ने 45, 75, 125, 42, 48, 56, 35, 49, 91, 28, 35, 56, 48 इसका आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लोगों ने उसके कॉमन प्रोडक्ट्स लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है। तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 45, 75, 125, तो उसको आप लोगों ने किस तरह से करना है। क्लास 45, 75 and 125 को आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है, और तीनों का ही आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है जिस जिस नंबर पे ये आप लोगों के पास डिवाइड हो रहे होंगे। तो 3 है तो 3, 1 the 3 and 3, 5 the 15, 3, 5 the 15 and 5, 1 the 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 आपके पास क्या आ गया, 3 × 3 × 5, यानी कि 3 का square × 5। तो 3, 75 है तो 3 × 6, 3 × 15, 5 × 25, 5 × 5। तो 75 आपके पास यू डिवाइड हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल्स टू 3 × 5 × 5, यानी कि 3 × 5 का स्क्वायर। तो 5 है क्लास 125 है तो 5 × 10 and 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 and 5 × 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हाईएस्ट पावर। तो आप लोगों बस क्लास हाईएस्ट पावर को आप लोगों ने लेते हुए अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो है 45 और 75
एंड 125 के जो आपके पास LCM आए हैं वो आया है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है आपके पास 5 का क्यूब, यानी कि ये 5 का क्यूब और ये 5 का 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, यानी कि 3 का आपने स्क्वायर लिया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 किया तो 3 3 9 आ गया आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 5 किया 5 25 25 5 125, तो 125 आ गया। तो 125 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, इज इक्वल्स टू 1125 आपके पास जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा।